दोस्तों, हिप्पोपोटेमस या दरियाई घोड़ा अफ्रीका में पाया जाने वाला मैमल है। हिप्पोपोटेमस ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है वाटर हॉर्स। वाटर हॉर्स या दरियाई घोड़ा नाम से लगता है कि यह घोड़ा है या घोड़े का रिश्तेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सुअर का रिश्तेदार है, वो भी दूर का। यह नजदीक का रिश्तेदार है व्हेल मछली और डॉल्फिन्स का। यह धरती पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा जीव है। पहला हाथी, दूसरा गेंडा यानी व्हाइट राइनो, और तीसरा हिप्पो। और कमाल की बात यह है कि धरती के तीनों बड़े और ताकतवर जीव शाकाहारी हैं। हिप्पो करीब 14 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा और 4 टन तक वजनी होता है। इसका बेलनाकार पेट या धड़ खंभे जैसे छोटे लेकिन मजबूत पैरों पर खड़ा होता है। पैरों का निचला भाग हाथी के पैरों जैसा होता है, या कह सकते हैं कि हाथी, राइनो और हिप्पो के पैर काफी मिलते जुलते होते हैं। आंखें सपाट और ऊपर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिससे ये पानी की सतह के अंदर होकर भी बाहर देख पाते हैं। नाक भी ऊपर होती है, जिससे पानी की सतह से सांस लेने में आसानी होती है। कान छोटे होते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करने के काम भी आते हैं। अगर कोई हिप्पो अपने कान हिला रहा है तो वो सामने वाले हिप्पो को अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। बॉडी पर बाल ना के बराबर होते हैं। पूंछ के सिरे, होंठ और कान के आसपास बाल होते हैं। स्किन के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है। हिप्पो का पसीना लाल रंग का होता है, ऐसा लोग मानते हैं। हिप्पो की स्किन से एक लाल रंग का फ्लूइड निकलता है, जिसे कई लोग ब्लड स्वेट कहते हैं। जहां पसीना हमारे शरीर को कूल रखता है, वहीं रेड फ्लूइड हिप्पो की स्किन पर मॉइस्चराइजर का काम करता है, और उसमें एंटीबायोटिक केमिकल्स होते हैं। हिप्पो की स्किन का हीरा चमकाने में उपयोग होता है। हिप्पो भारी शरीर के बावजूद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लेते हैं। हालांकि यह दौड़ बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है। हिप्पो नदी और झील और स्वैम्प एरिया में रहना पसंद करते हैं। मेल हिप्पो, जिसे बुल कहते हैं, उसका नेचर पानी में टेरिटोरियल होता है, लेकिन हिप्पो पानी में सिर्फ दिन में रहते हैं, क्योंकि उनके स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। धूप और सन बर्न से बचने के लिए हिप्पो पानी में रहते हैं, लेकिन रात में हिप्पो पानी के बाहर आ जाते हैं घास चरने के लिए। और जब जमीन पर आते हैं तो मेल हिप्पो टेरिटोरियल बिहेवियर नहीं दिखाते। ऐसा लगता है कि वो अपना साम्राज्य केवल पानी को मानते हैं। हिप्पो अपने बच्चों को भी पानी के अंदर जन्म देते हैं, और जन्म लेते ही बच्चे को खुद तैरकर पानी की ऊपरी सतह पर आना होता है सांस लेने के लिए। गर्भधारण काल 8 महीने का होता है। जो हिप्पो पानी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, जमीन पर घास चरते समय अलग अलग हो जाते हैं। जमीन पर हिप्पो सॉलिटरी एनिमल बन जाता है। हिप्पो के खतरनाक दांत ही हिप्पो के लिए खतरा बन गए हैं, और जिस तरह हाथी दांत के लिए हाथी मारे जाते हैं, उसी तरह हिप्पो दांत के लिए हिप्पो मारे जाते हैं। कुछ लोग हिप्पो को मीट के लिए भी मारते हैं। हिप्पो हैबिटेट लॉस की वजह से भी थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ गए हैं। आज जरूरत है इस विशाल और अद्भुत जीव को बचाने की। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन हिप्पो के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
वंदे मातरम।